हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सोयाबीन की और एक न्यू रेसिपी। तो सोयाबीन को इस तरह से मैंने पानी में भिगो के रखी थी और इसको अच्छे से धो के इस तरह से मैं निचोड़ लूँगी। तो जब तक इसमें से थोड़ा साफ़ पानी ना निकले तब तक धो के निचोड़ लेना है। और इधर मैंने कुछ सब्जियाँ काट ली है, आलू और फूलगोभी मैंने काट लिया है इस तरह से और इसको अच्छे से धो लिया है। तो मैंने यहाँ पे सोयाबीन को अच्छे से धो लिया है और इसके ऊपर मैं एक बड़ा चम्मच आटा दे रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक मैंने यहाँ पे डाल दिया और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे देना है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो यही सारे मसाले से मैं आज सोयाबीन को मैरिनेट कर लूँगी। तो सोयाबीन में हल्का पानी है, उसी से ही मैंने इसको इस तरह से मैरिनेट कर लिया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सूखी लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मैरिनेट कर लीजिएगा और इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा। तो मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और इधर मैंने गैस पे कढ़ाई दे दिया है। कढ़ाई गरम होने के बाद मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल दिया और ऑयल को मैंने चारों तरफ इस तरह फैला लिए ताकि सोयाबीन साइड में जाए तो वहाँ एकदम से चिपके ना। तेल अच्छे से गरम हो गया है, उसके बाद मैं सोयाबीन को एक साथ यहाँ पे डाल दूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे बस एक बड़ा चम्मच ही आटा का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा और आटा ले सकते हैं। तो ये पकोड़ा जो है इसमें अच्छा कोटिंग हो जाएगा आटे का। मैंने यहाँ पे हल्का कोटिंग किया है, मैंने थोड़ा ही आटा का इस्तेमाल किया है। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में रख के ही इसको गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है ताकि ये बाहर से भी अच्छे से पक जाए और अंदर से भी पके। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्राउन हो गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गया है और ये चिपक नहीं रहे हैं। जब भी ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो ये चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो मैंने इसको एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। तो उसी कढ़ाई में मैं अब 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया। ऑयल हल्का गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे साबुत जीरा डाल दिए। जीरे को चटकने दूंगी। तो जीरा हल्का ब्राउन होने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं अदरक। अदरक को मैंने थोड़ा कूट लिया है। मैं इसको लहसुन और प्याज से नहीं बनाऊंगी, मैं इसको एकदम से फुल ऑफ फेज करके बनाऊंगी। तो इसीलिए सिर्फ मैंने अदरक का इस्तेमाल किया है और मैंने यहाँ पे एक छोटा दालचीनी डाल दिया। तो सारी चीज़ें अच्छे से चटकने के बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च भी लिया है सब्ज़ी के साथ। हरी मिर्च को धो के मैंने अच्छे से काट लिया है। अब सारी सब्ज़ी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो सब्ज़ी डालने के बाद इसको इस तरह चलाते हुए थोड़ा फ्राई कर लेना है और ऑयल के साथ मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं
फूल गोभी को बहुत ज़्यादा बड़ा करके नहीं काटा, छोटा साइज़ का ही काट लिया है, और आलू को भी बहुत बड़ा करके नहीं काटा। तो मैं अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। फिर मैं यहाँ पे डालूँगी हल्दी पाउडर। फिर मैं यहाँ पे डाल दिए जीरा पाउडर और थोड़ा गरम मसाला पाउडर। आप चाहे तो गरम मसाला पाउडर बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही इसका इस्तेमाल कर लिया है फ्राई करते समय ही, तो बाद में मैं गरम मसाला नहीं डालूँगी। तो मसाले को सब्ज़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह चलाते हुए, और इसको थोड़ा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाले के साथ सब्ज़ी अच्छे से मिल गए हैं और इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो गए हैं। तो जब भी सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो उसमें से इस तरह से ऑयल दिखने लगते हैं। सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी। मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको इस तरह से चला लिए और फिर मैंने थोड़ा और पानी यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि सब्जी थोड़ा पकेंगे और ग्रेवी उबल के थोड़ा और सूखेंगे, तो उसके लिए पानी मैंने और थोड़ा यहाँ पे डाल दिया। तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से ही पानी डालिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि जितना आप पतला करेंगे उस हिसाब से सब्ज़ी और मसाले और नमक ऐड करिएगा, तभी इसमें स्वाद बनेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है और सब्जी जो है पक गया है अच्छे से। यहाँ मैं चेक करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से पक गया है सब्जियाँ। तो इसी टाइम ही यहाँ पे सोयाबीन डाल देना है। सब्जी जब तक अच्छे से ना पके तब तक यहाँ पे सोयाबीन मत डालिएगा। सब्जी पकने के बाद और ग्रेवी थोड़ा सूखने के बाद ही यहाँ पे सोयाबीन डाल दीजिएगा। तो मैंने सारा सोयाबीन यहाँ पे डाल दिए और इसको सब्जी के साथ अच्छे से मिलाकर थोड़े टाइम इसको उबाल आने दूँगी, फिर हम इसको उतार लेंगे। तो सोयाबीन डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रखना है, थोड़े समय उबालने देना है, उसके बाद ही इसको उतार लेना है। तो सब्ज़ी में अच्छा उबाल आ गया है और ये थोड़ा सूख भी गया है। तो इसी समय ही यहाँ पे आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं और कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी और धनिया पत्ता का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाले थे, उसका फ्लेवर यहाँ पे है, तो मैंने और कुछ नहीं डाला। आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो ग्रेवी देख सकते हैं कितना सूख गया है और ये बनके तैयार है। तो जब भी आप सोयाबीन बनाइए तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सोयाबीन का ग्रेवी जो है वो सब्ज़ी में जब उबलने लगे तो उसका ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा दिखता है। जब भी इसको उतार लेंगे तो इसका ग्रेवी थोड़ा और सूख जाता है, तो आप उस हिसाब से ही इसमें पानी डालिएगा। मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना सुंदर और कलरफुल दिख रहे हैं और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। और इस तरह से बनाकर खाने से एक अलग ही स्वाद आता है।
तो ज़रूर ट्राई करिए। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए सब खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।